तो आज 24 जुलाई चंद्रयान 3 लॉन्च हुए पूरे 10 दिन हो चुके हैं एंड ये वीडियो तो मैंने प्लान किया था चंद्रयान 3 की लॉन्च पे, बट कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से ये वीडियो बहुत लेट हो गया। चंद्रयान 2 के टाइम पे भी हमने प्रज्ञान ओवर के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया था एंड आई थिंक वो मेरे चैनल का पहला प्रॉपर वीडियो था, बट उस बात को हो चुके हैं पूरे 4 साल एंड नाउ इट्स टाइम टू अपग्रेड। ये है हमारा आज तक का सबसे एडवांस्ड रोवर प्रोजेक्ट। इसमें होगा प्रॉपर रॉकर बोगी मैकेनिज्म एंड डेप्थ सेंसिंग कैपेबिलिटीज। जैसे प्रज्ञान रोवर में नेफ कैम लगे हैं 3D मैपिंग एंड ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस के लिए, सेम फंक्शनैलिटी हम इसमें भी ऐड करेंगे। देखो इतने बड़े प्रोजेक्ट को डिजाइन करने में, बनाने में, फिर यूट्यूब पे शेयर करने में टाइम लगता है एंड जिस तरह से हमारे चैनल की स्पीड है भाई, ये वीडियो आएगा चंद्रयान 4 की लॉन्च में। सो हमने डिसाइड किया कि हम वेट ही नहीं करेंगे फिनिश होने का। जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में या इसके वीडियोस निकालते रहेंगे एंड आज है उसका पहला पार्ट। ये रोवर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई नो ये नॉर्मल व्हील की तरह दिखता है एंड देर इज़ अ गुड रीज़न फॉर दैट, बिकॉज ट्रेडिशनल रोवर का जो व्हील होता है इसको डिज़ाइन किया जाता है मून पर चलने के लिए, बट हमारा रोवर मून पर तो जा नहीं रहा है, हम इसे यहीं चलाने वाले हैं। अगर हमने इस व्हील को लगाया अपने रोवर में तो ये काफ़ी स्लिप करेगा। नॉर्मली हम अपने प्रोजेक्ट्स में मोटर को व्हील के साथ डायरेक्टली अटैच करते हैं, बट इस डिज़ाइन में एक प्रॉब्लम है। अगर मोटर की शाफ्ट ढीली है तो व्हील स्मूथली स्पिन नहीं करेगा, ये हिलेगा। ये प्रॉब्लम हमारे रोवर में ना आए इसलिए हमने कुछ इस तरह का डिज़ाइन रेडी किया है जिसमें व्हील्स मोटर के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं। हमने यहाँ पे एक सपोर्ट बेयरिंग दे रखी है एंड व्हील पे एक स्लॉट दे रखा है, ये कुछ इस तरह से फिट होता है एंड पूरा लोड मोटर की शाफ्ट की बजाय जाएगा सपोर्ट बेयरिंग पे एंड हमारा व्हील स्पिन करेगा स्मूथली कुछ इस तरह से। और मैं डीसी मोटर के बजाय यूज़ कर रहा हूँ 360 डिग्री सर्वो मोटर्स, बिकॉज इन्हें कंट्रोल करना काफ़ी इजी होता है। अब कंट्रोल की बात आई गई है तो लेट मी शो यू, बिकॉज हमारा कंट्रोल सिस्टम रेडी है। हम यूज़ करेंगे रेसबेरी पाई 4 एज ऑनबोर्ड कंप्यूटर और PCA9685 मॉड्यूल फॉर कंट्रोलिंग सर्वो मोटर डायरेक्टली फ्रॉम रेसबेरी पाई GPIO पिन्स एंड फाइनली CSI कैमरा फॉर लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग, जिसे हम बाद में रिप्लेस करेंगे एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा से। रोवर को कंट्रोल करने के लिए हमने एक एंड्रॉयड ऐप बनाई है जिसमें कैमरे का एक लाइव स्ट्रीम आता है एंड कुछ बेसिक्स कंट्रोल्स दिए हुए हैं मूवमेंट के लिए। फिलहाल तो ऐप में बेसिक कंट्रोल्स हैं और कैमरे का लाइव फीड, बट जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा हम इसमें और भी सेंसर्स और फीचर्स ऐड करेंगे। माय गोल इज इस प्रोजेक्ट को प्रज्ञान ओवर की तरह ही फंक्शनल एंड अफोर्डेबल बनाया जाए ताकि सब लोग ट्राई कर सके एंड दिस इज नॉट द फाइनल डिज़ाइन। जैसे अभी हम आगे बढ़ेंगे इसमें कई सारे चेंजेस होंगे, कई सारे सेंसर्स ऐड करेंगे।